ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨਵਾ ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप सुन रहे थे, जिनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और मुस्कान सब कुछ जाहिर कर रही थी। और इस वक्त सबसे चर्चित चेहरा वो बन चुके हैं पंजाब कांग्रेस का, जहां पर नए सीएम को लेकर उनके नाम पर मुहर भी लग गई है और कुछ ही देर में आधिकारिक ऐलान का ही सबको इंतजार है। और आधिकारिक ऐलान अगर होता है तो सुखजिंदर सिंह रंधावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के नए सीएम बनेंगे। और कुछ ही महीने बचे हैं, 2022 का चुनाव भी सामने है, विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर कई चुनौतियां भी पंजाब कांग्रेस के सामने है। और एक बार फिर से सुनते हैं कि आखिर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा। सर क्या राम राम नाम किसी का सिलेक्ट नहीं हुआ। जो हमारे ऑब्जर्वर बैठे हैं उन्होंने सभी के साथ बात की है, मोबाइल पर कॉल करके सभी को पूछा है कि किसका नाम चाहिए। अभी जो कंसेंसस बनेगा थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। नाम चल रहा है सर, क्या कहेंगे सर, अभी क्या अभी थोड़ी देर में डिक्लेयर हो जाएगा। कांग्रेस में किसी का भी चल सकता है, जब तक बाहर नहीं आएगा उस तक मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। देखिए कांग्रेस एक ऐसी जमात है, जो भी अब हमारी हाईकमांड कहेगी तो हर वर्कर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैं भी एक छोटा वर्कर हूँ और एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आज तक मैं जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं सर रंधावा साहब, क्या क्या आप आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? देखिए पहले अनाउंस हो जानी चाहिए। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मुहर लग चुकी है और नए सीएम की शपथ वो ले सकते हैं, वो नए सीएम हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद। और लगातार हलचल तेज हो रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब की कमान आखिर कौन संभालेगा। चमन पलाने इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमन, क्या अभी खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आला कमान की ओर से जो कुछ भी कहा जाएगा वो उसी को लेकर आगे अपना फैसला लेंगे, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। हालांकि अभी इंतजार है कि आलाकमान के आधिकारिक ऐलान का। जी देखिए अभी तक आधिकारिक ऐलान का इंतजार रहेगा, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। वो अभी अपने घर पर पहुँच चुके हैं और हलचले जो हैं वो अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो मंत्रियों का जो है वो आना शुरू हो चुका है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने घर के अंदर पहुँच चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर में जो है वो पूरा जमावड़ा जो है अभी लग चुका है और अभी आप देखिए कि किस तरह से मंत्रियों का और विधायकों का यहाँ पर आना जो है वो हो चुका है। और हालांकि थोड़ी ही देर पहले जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो है वो मीडिया से अभी बात की है कि अभी जो हाई कमान जो चाहेगी वो उसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम के की जैसे ही सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात की तो उनके चेहरे पे थोड़ा मुस्कान भी थी। तो देखिए किस तरह से अभी पंजाब की जो राजनीति है वो चेंज होती है। अभी कुछ ही पल रह गए हैं जिससे ये पता लग जाएगा कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का जो प्रपोजल जो दिया था गया था वो उस पर मोहर जो है वो लगा दी गई है और कुछ ही समय में जो है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा को जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बिल्कुल चमन, पंजाब का मुख्यमंत्री कुछ ही देर में हो सकता है, आधिकारिक ऐलान भी हो जाए। लेकिन चमन कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी आधिकारिक ऐलान का? जी देखिए जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कम से कम अभी आधा घंटा या 20 मिनट के करीब के बाद जो है औपचारिक ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जो है पंजाब को एक नया मुख्यमंत्री आज मिल जाएगा। जी जी, और लंबे वक्त से इंतजार भी हो रहा था क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद यही अटकलें लगाई जा रही थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस रेस में तमाम नाम भी सामने आ रहे थे, सुनील जाखड़ का इससे पहले कल सबसे चर्चित नाम वही था और कल 5 बजे बैठक भी हुई थी विधायक दल की। उसके बाद आज अंबिका सोनी का नाम पहले सामने आया, जिन्होंने सेहत का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये बात भी कही कि जो सीएम पद का चेहरा होना चाहिए वो एक सिख चेहरा ही होना चाहिए। और सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लगातार चर्चा में था और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मुहर भी लग चुकी है। चमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमन, कैप्टन ने भी धमकी दी थी कि अगर उनके पसंद का चेहरा नहीं होगा तो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहे, कैप्टन का अगला कदम अब क्या होगा? सुखजिंदर रंधावा पंजाब के नए सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मुहर भी लग चुकी है,
मीडिया से जब उन्होंने बात की तो चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया और ये भी कहा कि आलाकमान की ओर से जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा वो उनको स्वीकार्य होगा और उसी हिसाब से वो आगे काम भी करेंगे। और अब तमाम अटकलों को एक तरीके से हल्का ब्रेक लगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंतजार करना होगा क्योंकि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। ये केवल सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मुहर लग चुकी है और नए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद वो हो सकते हैं। कल ही राज्यपाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म था। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस रेस में, सीएम पद की रेस में। कई चेहरे भी इस दौरान सामने आए, लेकिन आखिरकार आज सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मुहर लग गई है। चमन इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन, अब किस तरह की हलचल पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है? जी देखिए, जहाँ तक अगर बात करें सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम के मोहर लगने के बाद जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पे जो बिल्कुल जो है हलचल जो है बहुत तेज हो गई है। और जो उनके जो कैप्टन खेमे के जो कुछ विधायक थे वो भी वह पहुँच चुके हैं वहाँ पर, और जो रंधावा के साथ जो पहले ही उनके गुट में थे वो तो ऑल सुबह से ही उनके घर पर यहाँ पर जो थे वो सुबह से ही बैठे हुए थे। और बिल्कुल, और सुखजिंदर रंधावा के नाम पर अब मुहर लग गई है और नए सीएम हो सकते हैं वो। हालांकि इंतजार करना होगा कि कब आधिकारिक ऐलान होता है, और जैसे ही आधिकारिक ऐलान होता है हो सकता है कि शपथ ग्रहण भी हो सुखजिंदर सिंह रंधावा का। उन्होंने खुद कहा है कि आलाकमान का फैसला उन्हें स्वीकार हो गया, जो भी फैसला आलाकमान की ओर से लिया जाएगा वो स्वीकार करेंगे। अमरिंदर ने मुझे बेटा माना है, उन्होंने खुद अपने संबंधों के बारे में भी बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कुछ मतभेद उनके जरूर हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा बेटे की तरह उन्हें मानते हैं। चमन जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। चमन, यहाँ पर कैप्टन ने भी धमकी दी थी, और अब क्या होगा, अब क्या अगला कदम कैप्टन का होने वाला है? जी देखिए, कैप्टन भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि कैप्टन शुरू से ही जो है वो कैप्टन के खिलाफ जिस तरह से ये कैप्टन कहते आ रहे हैं कि मेरे साथ जो है साजिश रची गई थी और मुझे बिना बताए यहाँ पर जो है वो जो दिल्ली से जो और जोर पर जो है वो भेजे गए और सीएलपी की मीटिंग करवाई गई, तो मुझे तो सुबह कहते पता लगा। यहाँ पर अब इंतजार केवल यही है कि आधिकारिक ऐलान कब तक होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। जी देखिए, कुछ ही समय में जो है वो अधिकारी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर में जिस तरह की हलचलें जो है वो बढ़ गई हैं, तो उससे तो अब यही लग रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को कुछ ही समय में जो है वो पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आगे की क्या रणनीति रहेगी वो उसके बाद ही बताई जा सकती है, क्योंकि इससे पहले कुछ भी ये कहना मुश्किल होगा कि कब उनको जो है वो शपथ ग्रहण होगा। और पंजाब में जो डिप्टी सीएम की जो बात जो चल रही थी कि दो डिप्टी सीएम बनाएंगे, वो आज उसका फैसला नहीं होगा, क्योंकि पहले मेरे कैप्टन साहब बुजुर्ग ने, मैं हमेशा ही उन्होंने अपने फादर की थान समझा, और उन्होंने भी मैनू टिक्कू वांगू अपने बेटे वांगू